गाइस बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे चंदू चैंपियन मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कार्तिक आर्यन की मूवी चंदू चैंपियन चर्चा में बनी हुई है। मूवी कुछ दिनों में थिएटर में दस्तक देने वाली है। इस दौरान चंदू चैंपियन का प्रमोशन भी जोरों शोरों से चल रहा है। अब मूवी के प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने भी मूवी को लेकर बात की है। इसके साथ ही उन्होंने चंदू चैंपियन की कहानी की खासियत बताई है। इस मूवी के लिए एक्टर ने खूब पापड़ बेले है। चंदू चैंपियन के पोस्टर रिलीज के साथ ही कार्तिक आर्यन ने तहलका मचा दिया था। एक्टर के फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने हर किसी का ध्यान खींचा था। मूवी में कार्तिक आर्यन रियल लाइफ हीरो मुरलीकांत पेटकर को किरदार पर बड़े पर्दे पर उतरते हुए नजर आएंगे। मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, जिन्होंने एक मुक्केबाज और सैनिक से स्विमर बनने का सफर तय किया। चंदू चैंपियन को लेकर कार्तिक आर्यन के साथ साथ पूरी टीम एक्साइटेड है। प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने मूवी को खास बताया। उन्होंने कहा, सिनेमा के जादू की कोई लिमिट नहीं है। एक फिल्म निर्माता के तौर में इंटरटेनमेंट के इस माध्यम की पूरी शक्ति का फायदा उठाने के लिए तैयार हूँ। सिनेमा की अपनी ताकत है। उन्होंने आगे कहा, मेरा मानना है कि कुछ कहानियों को दुनिया के साथ शेयर करने की जरूरत है। मैं एक फिल्म मेकर के तौर पर उन्हें बताने के लायक हूँ। ये मेरे लिए भाग्यशाली महसूस करने वाली बात है। चंदू चैंपियन एक ऐसी असाधारण कहानी है जिसे हमने पूरी लगन के साथ बनाया है। वे हमारे लिए बहुत ही खास है और दुनिया भर दर्शकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। और ये मूवी इसी महीने 14 जून को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप भी चंदू चैंपियन मूवी देखने के लिए कितना इंतजार करें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।